पता ना हमारे बालक कौन सी पढ़ाई पढ़ गाँव में, सारे गांव के बालक पढ़ के आ जाओ और सुबह 2 घंटा लेट आवे। आ जाएंगे, सकुल देर तो छुट्टा होगा, तुम खेत पे जाओ, देर हो जाएगी। लदाती दे ठाकर। और आते भेज देते खेत पे को। हाँ हाँ ना ठावा लावेगा। माँ राम राम। राम राम करण, ये कैसे टूट गई? नहीं तो देर होगी और मेरा चोट भी लग गई। तू नू कर, ये 10 रुपए ले और जाके डॉक्टर से दवाई ले आ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। करण, मनीष ना आया अभी? मुझे क्या पता उसका। बिद के मत ना और जाके दवाई ले आ। ठीक है। हमें तो नहीं पता ना लगे मनीष पढ़े है कि ना पढ़े, पता ना कहाँ मर गया जाके, जो अब तक ना आया। प्रणाम माते, हम कहीं नहीं मरे हैं, हम तो यहाँ विराजमान हैं, परंतु हम जानना चाहते हैं आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? आज तो फिर मर गया, खा गया सारी मलाई। एक तो मैं तेरा काम हड़का करता रहूं, और ना तो तुझे दही जमानी पड़े और ना बिलोनी पड़े। और क्या खाएंगे, 3-4 दिन हो गए बिल्कुल भी घी ना निकला। मैंने सबका ठेका लिया है और तुझे पता है मुझे घी अच्छा ना लगता है। एक सीधा खेत पे चला जा, तेरे पिताजी खेत पे गए हैं और जाके न्याय ठाला। माँ, तू मार लेकर और पीट लेकर पर तू खेत का नाम लेके मत डराया करे। मैं डराना रही, जल्दी चला जा नहीं तो तेरे पापा बहुत मारेंगे। मुझे पता था न्यू कह के मारेंगे। वैसे पिताजी की ये बात बढ़िया ना है, मेरे जैसे पढ़ने वाले नेक ईमानदार बालक पे वे हाथ उठा। मैं जा, जल्दी चला जा, बाट देख रहे होंगे। जा रहा हूँ, उस गंजे को ना भेज सके थी, उसके चोट लग रही, क्यों ना गया वो। मेरे ते घना ऐबदार है वो, और वो ना सुधरे कदी भी। चल यार, इस पेड़ पे एक दो आम ही खाता चलू। अच्छा तो तम होवे चोर, जो रोज मारी आम भी तोड़ के खाओ। तड़े को आ जाओ, अभी बता दूंगा। तेरी आम भी तोड़ रहे, क्या कह रहा तू? सारी बता दूंगा, तड़े को आ जा पहले, तड़े को आ। थार आयु पेड़? हाँ, और के तेरे फूफा का है। ममता नीचे को आयो जरा, लगे आज तो कोई पेड़ का मालिक ही आ गया है। तुम पहली बार आई दिखो। चल इस मारा छोड़ रहा हूँ, जाओ टल जाओ, जल्दी जाओ। ना जाते, बता के करेगा? करता के पिताजी धोरे ले जाऊंगा। पूनम चलो इसके साथ चलते। चलो। बस टाल करो, तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं, मेरा एहसान मानियो। ना तू एहसान मत कर, चल लेकर चल, ना तो हम तेरे सारे आम तोड़ लेंगे। तुम सारे तोड़ लोगे? हाँ सारे तोड़ लेंगे। एक भी ना छोड़ दो? आधा भी ना छोड़ दें। ठीक है तोड़ो तुम, मैं ला रहा हूँ अभी पिताजी को बुला के। जल्दी आइए पिताजी को लेके, कदी इंतजार करवावे। अरे राजेंद्र, पिताजी ना आए? आए वो न्याय लेकर चले भी गए। अच्छा, पिताजी तो बस मुझे परेशान करें, न्यार लुआन आया था लेके चले गए, फिर नु कहेंगे काम ना करता है। चल कोई बात ना, पिताजी पूछे तो बता दिए मैं आया था। ठीक है भाई, कदी ना अट जावे।
अरे इसमें घी भी घेर देकर कदी कदी। हाँ छोड़े है ना पड़ा वो घी, सारी मलाई तो खा जावे। एक आधी रोटी लाओगे? पिताजी तुम्हें जरूरी था मैं वहाँ बुलाना, धूप में मरवा दिया और फिर वहाँ मिले भी ना। अच्छा रे उल्टी मेरे से बकवास कर रहा है, कभी मैं तुझे कुछ कहने लगूं? काम रखा था जाके? गया था मैं वहाँ, तमी ना मिले और या लाठी क्यों ठाली? नाप पो तो इससे आज नापने के बात है, मैं 6 फुट का हूँ। हंस ले तू, तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे हमें बता, क्या बता रहा? ले साइकिल चला। तू चला? मैं बड़ा भाई हूँ, तू चला। मैं छोटा भाई हूँ, तू चला। मैं थक रहा हूँ, तू चला। तू कैसे थक गया, कुछ काम करा था ना कभी? ओ देख थोड़ा कबूतर। मनीष मनीष रुक जा, मनीष मनीष और रुक जा, मनीष रुक जा, देख लो तुझे। बेटे कहाँ जाएगा, घर तो आ गई। जो चैन भी अभी मरनी थी, कुटारा दे रखी है। के बात है, कैसे भाग रहा है पीछे? मैं वो जल्दी बता कैसे भाग रहा। अजी हमारे गांव में कई लम्डे दिल्ली पुलिस में हो गए, मैं हर बार जो है ना रेस में रह जाऊं, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस दुनिया तड़की को भगे, तो दोपहर में 2 बजे भाग रहा। अजी मैं वो ऐसे भागेगा तो तू होलिया भरती। अजी मैं अरे रुक। अबे यार यो साइकिल तो कुछ जाने पिछाने सी लगा है। पर इसी तो चैन उतर रही। कदी मैं लेकर ना चला जाऊं, इसकी चैन उतार कर गया, बता दूं अब। चल अजी वो भागने की बात तो पूरी होगी, अब तो वर्जिश की बात है। एक दो तीन चार 91 92 93। अब तो कुछ भी कहता रहिए, मैं तो ले जाऊं ना बैठा के, जब तो वहां छोड़ के भाग गया था। राजू आज तो मैं बाढ़ बाढ़ बच गया भाई। ले फिर बच गया आज, हे भगवान इसे फसवा भी देगा कभी कदाक। अरे सुन तो, बहुत तकड़ी बात है। तेरी राम कथा कोई बावड़ा ही सुन सके? अरे जा तू। राजू तो सुन मेरी बात। क्या सुनू भाई, मैं बावड़ा दिख रहा तुझे? अरे सुन तो सही, वो मिली थी अपने बाप की गैल, आज तो पिटने से बच गया। कौन उसका बाप? अरे वो तो यमराज बन के मेरी जान काटने को तैयार था, पर उसे के पता था अब जान तो रहा उसकी छोरी काट लेगी मेरी। क्या तेरी जान काट के लेगी? हाँ अरे सारा मामला हिल गया। वो कैसे? अरे तो ले सुन, काढ़ के लेगी दिल, सारा मामला गया मेरा हिल।
जो तन में उसको तू भी पागल हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखों में उसकी सारा जमाना खो जाएगा। जो तन ने उसको तू भी पागल हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखों में उसकी सारा जमाना खो जाएगा। एक झलक दिखला के अपनी मेरा कर बुरा हाल गई, काट चले जा छोड़ तड़पता वो हिरणी की चाल गई। अरे रे 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 रे, एक झलक जो देख लिया, एक झलक जो देख लिया यार मेरे तूनो कहेगा, एक झलक जो देख लिया यार मेरे तूनो कहेगा। तुम्हारे पीछे पड़ गया, मैं जिस रास्ते जाऊं वो उस रास्ते पहले आगे खड़ा मिले है। कौन पड़ गया तेरे पीछे? वही आम वाला। क्या आज फिर मिल गया था? हाँ, जब मैं पिताजी के साथ गाड़ी पे आ रही थी तो वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था, पिताजी ने उसकी डांट लगा दी और वो वहाँ से उल्टा भाग गया। जब तक तेरे चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? कुछ भी है पूनम, पर लड़का है बहुत अच्छा। मुझे तो लगा तेरा दिल ले गया दिखे। मैं ऐसे दिल विल के चक्कर में ना पड़ती, पर पता ना क्यों उसकी याद सी आवे। ए ममता, थोड़ी सी चाय तो बना ले। अभी बना रही पिताजी। पूनम तू बैठ, मैं चाय बना के आ रही हूँ। ना, सारा काम ऐसे ही पड़ा घर पे, तू चाय बना मैं फिर आऊंगी। ठीक है, पर तू आइए जरूर। तुम जाना रे घर लेने, नेक्स्ट भी ना है। पिताजी कुछ खाने के लिए भी लेते आइयो। हाँ कल खाने को तो ला रहा हूँ और के पीने को ला रहा हूँ। खड़कू मैं खाऊंगा के? ढोरी तो खावे उसे। ढोरू मैं? तू चुप कर और हाँ तुम जल्दी आ जाइयो। पिताजी 200 रुपए दे दो। पेट पे झाड़ लगाई से हिलना तो करता नहीं।
दे दो कुछ लाना है। अरे रहने देना, जाने देने, चल हट। एक बार कह देना है, जा अपना काम कर। याद रखियो बात को, कभी भूल जाओ, बुढ़ापे में हम ही काम आओगे। तेरी बकवास सुनने का टाइम ना माधर है। ठीक है तो जा, तू पैसा ला काट के। अरे कालू है, के ढंग है, के कर रहा है। और सुना, आज कैसा ना होया? मेरे चल रहे हैं पेपर, मुझे तो टाइम सही ना मिलता। पिताजी ने भेजा 400 रुपए की जरूरत है, कल मिल जाएंगे। अरे यार पैसे तो ले जा, पर मुझे 500 रुपए मेहताब का देने, परसों तो खेत जुतवा था। तू टेंशन मत ले वे, तुझे तो टाइम से पहले मिल जाएंगे, तू दे तो सही। ठीक है, जल्दी से दीजिए, ले ले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ला 50 रुपए दे दे। 50 रुपए? 50 रुपए किस बात के? 50 रुपए लेने अपनी माँ पे तो ले, अपने बाप पे तो ले। तू भी तो बड़ा भाई है, तू नहीं दे सकता? मैं कहाँ दे दूँ? मेरी कौन सा मील चल रही है या खड्डी चल रही है? मील खड्डी चल रही है तो उनमें से दे दे, जो वे 400 रुपए तू कालू पे तो लाया। मतलब मेहनत हम करें और पैसे तुझे दे दूं? दे दे यार, हमारा भी तो कुछ हक बनता होगा। ले चल 20 रुपए। और सुन, पिताजी को पता ना लग जा। मुझे बावली पूछ समझ रहा, मैं क्यों बताऊंगा? वो अपना आप बता देगा जिसपे तो पैसे लाया है। ला तो फिर ये 20 रुपए उल्टे दे। तो वो तो बताओगा ही, पर कुछ ऐसी बात होगी तो हम भी तो संभालेंगे। ख्याल रखिए। राम राम कालू, आजा। ठीक ठाक है चाचा? मैं ठीक हूँ, पर थारी बात छिना लगी, पैसे तो मंगवा लिए और भिजवाने का नाम ना देते। अरे भाई मैंने तेरी कौन सी रोकड़ ना दी? लिए होंगे तुमने, और क्या वैसे ही मांग रहा? ये ना परसों मनीष। और अब मैंने तेरे से कौन से पैसे मंगवाए थे भाई? पता ना पिताजी, मेरे तो करण ने कही थी, अब पिताजी ने पैसे मंगाए, मैंने तो ला के उसे दे दिए थे। तुमने, तुम दोनों ने घर बर्बाद कर दिया। अरे कालू कहाँ गया यू? पता ना, तो ये रोटी खा रहा था। क्यों गुस्सा कर रहे हो? लाया होगा अपने काम की कोई चीज। तो बकवास क्यों कर रही है? दे दे इसके पैसे, ले अपने 400 रुपए। माँ रोटी दे दी जल्दी, भूख लग रही है। रोटी का थाल तो बाद में सजेगा, पहले तेरा आटा तो तार दूं। न्यू बता, इस कालू से पैसे लाया? क्या कहा था ना उनका? जी मैंने लाया, मनीष लाया। अरे वो तुझे बता रहा, तू उसे बता रहा, खाले पता चलता। अरे रहने दो ना, तेने बिगाड़ रखे ये। अरे ओला साहब खड़ा हो। तू मरे, मैं समझ रहा था भाग दिखे। अरे लाठी क्यों ले रहा है? सिर फोड़ूंगा तेरा। पिताजी से कही थे ना, अकबर 400 रुपए मने मंगाए हैं। क्यों, पिताजी कह रहे कुछ? लठ तो लगवा दिए, और ऊपर तेन कह रहा कुछ कह तो ना रहे पिताजी। तो लठ लग गए तो क्या हो गया? 10 रुपए का एक मान लिए। 10 का 1 है तो 480 और दे, 85 लठ लगे हैं। तू भाई ना मेरा, इतना भी नहीं कर सकता मेरे निया। मैं तो 20 रुपए लेकर भी पीटूंगा, और तू 400 रुपए लेकर भी मजे लेगा। ला 200 रुपए और दे, अपना काम कर। अच्छा मनीष, ऐसे ना करा कर, ये तेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है यू? बड़ा चालू है यू। मैं कहीं तो अपना काम काट दूं, फिर भी 50 रुपए ले गया मेरे पे तो। 50 रुपए दिए तने, 20 भी बड़ी मुश्किल से दिए हैं। बेटा ऐसे किसी से पैसे ना लाया करते। तो पिताजी पे तो दुआ दे कर। अच्छा ठीक है, इब दिला दूंगी, चलो अंदर चलो दोनों, खड़ा हो। जल्दी जल्दी चल आगे को, अभी घर जाके और भी काम करना है। बस काम ही नजर आ तुझे तो, कितने दिन हो गए
मैं कहीं घूमने भी ना गई। मौसी आई हुई है, मैं तो उनके साथ ही निकल जाऊंगी। तो हो यही हो, कौन मना कर रहा है? यूरा मौसी का घर गांव के पीछे, वहां पड़े पड़े तुझे शर्म ना आएगी। पर अब आगे कू तो चल, चल चली जाइयो, आगे कू तो चल। तू कैसे हमारे पीछे पीछे आ रहा, के परेशानी है? मुझे तो कुछ परेशानी ना, और ना मैं थारे पीछे आ रहा, मैं तो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेस में भाग लेना है मुझे। धीरे धीरे क्यों चला रहा, तेज लेके जा। जा रहा हूँ मैं तो। रेस बता के तो फंस गया यार, चल कोई बात नहीं। अरे ओए ओए, ये कर रहा है? कदी तू धीरे वाली रेस भी हार जावे, पैदल चल, पैदल वाली रेस जीत जाओगा। चलूंगा चल, कैसे खड़ी है? इसे पता ना मैं खुराक दे दूं, पर वही बात है, अक्सारी खुदाई एक तरह पर वो। अरे चाय प्याज आधा कप? अभी तो चाय पी थी, और कितनी चाय पियोगे? कुछ काम धाम है कि ना है? अरे कहाँ रह जाया करे तू, जाओ 10 मिनट की नहीं, और आवे एक घंटा पीछे। पिताजी तुमने मुझे हवाई जहाज दे रखा ना खरीद के, या चले इतनी तेज है? अकाना था घर और पहुंच गया पाकिस्तान, अब मैं तो पैदल आ रहा हूँ, न्यू लग गया टाइम। सुन रही ऐसी बकवास? अरे कभी ढंग में बता दे कर। जब बात ही ढंग की ना, तो जवाब ढंग का कहाँ से मिलेगा? ठीक है तो कह रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया, और तुम हो जाओ शुरू कथा सुनाने। सुन रहा अपनी माँ की कथा बता रही, और तू कहाँ सुनेगा? तू भी इसका ही भाई है, दोनों एक जैसे हो रहे हो। पिताजी तुम चाहे कुछ भी कहो, पर थारा नाम एक दिन मैं ही रोशन करूंगा, यूं ना करने का। नाम रोशन? वो तो तेरे ढंग दिख रहे जैसे तू नाम रोशन करेगा हमारा। तू हर बात में मेरा नाम क्यों लिए करे? तनाज तक नहीं बताइए तेरे पेपर कैसे गए हैं? इसमें बताना ही क्या है, जब तक पढ़ना शुरू करा आज लोग खराब गए हैं कभी मेरे पेपर। जो तू पूछ रहा है? हाँ पेपर तो तेरे सारे सही जाओ है, तो पढ़ना सुधर रिजल्ट कैसे खराब आवे। अच्छा चुप हो जा, रोटी लाऊं तेरे लिए। मनीष तेरा कैसा हो रहा, मुझे लगा चाचा ने खुराक दे दी दिखा आज। अरे वह बात ना यार, बस पता ना क्यों हो गया, क्यों मन सा ना लग रहा। तू गया था घर, कुछ काम था? नहीं मतलब वैसे ही चला गया था। पर तू कैसा हो रहा, चौका हंसता भी हो जाता, कैसे चेहरा उतर रहा? यार मैं उस लड़की के चक्कर में गया था। तो तेरी उदासी का कारण वो लड़की है? हाँ यार, मुझे तो बेर बेर उसी की याद आवे। अरे मुझे तो उसका न्यू बिना पता, नाम के है, गांव के है। ला दिखा दिखा दिखा। अरे तुझे तो बोल रहा लगा भाई, घर के चारों कोनों में वही वही दिखाई दे। हाँ भूख भी ना लगती ना। अच्छा सुबह में भी दिखाई देती होगी? हाँ हाँ दिखाई दे।
तो भाई तुझे तो वही बीमारी लग गई। बीमारी? कौन सी बीमारी? बीमारी जिसे दुनिया प्यार कहे। के प्यार? यार लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अबे ओ ज्यादा मजनू ना बने, नू करा दो दिन की मुलाकात में प्यार होगा। अबे ये तो देख लेता वो लड़की कैसी है, कौन से गांव की है। अरे मुझे ना जानना कुछ भी, मुझे तो बस इतना पता हो वो बहुत सोनी है। याहो! राजू मनीष आया था? अरे हाँ आया तो था। कहाँ गया फिर? बताऊँ? बता। सुन रहे हो? आई समझ में? उसके पैर पड़ेंगे, हाथ पकड़ ले आ कोई तो उसकी गैल लड़ेंगे। जहाँ भी मिल जा भाभी कह के उसके पैर पड़ेंगे, हाथ पकड़ ले आ कोई तो उसकी गैल लड़ेंगे। जंगल में जिसकी खातर फिरन लगायो
छोरी बिया बानी इस जंगल में, जिसकी खातर फिरन लग्या यो भाई मेरा इस जंगल में। अपना फर्ज निभा दूं, तेरी एक हंसी पे अपनी दे के जान दिखा दूं, मैं भी तेरा भाई हूँ भैया, अपना फर्ज निभा दूं, तेरी एक हंसी पे अपनी दे के जान दिखा दूं, कुंडली भी मिलवा दूं जाके आज ही पंडित मंगल के, कुंडली भी मिलवा दूं जाके आज ही पंडित मंगल गए, जिसकी खातर फिरन लग्या यो भाई मेरा इस जंगल में। जाने कहां ते मिलगी छोरी बिया बान इस जंगल में, जिसकी खातर फिरन लग्या यो भाई मेरा इस जंगल में। अरे करण, जो मैं देख रहा हूँ तुझे भी देख रहा है? मुझे कम देखने लगा मुझे। पिताजी ठीक देख रहे तुम? आज क्या होगा ऐसे? हाँ तो बिना कहे काम पे लग रहा। पिताजी दो ही बात हो सके, या तो सारा नाम रोशन होना शुरू हो गया या फिर नई खुरापात करके आयो। अरे बका सामने तब अपना कर लेंगे, तू बैठ जा आराम से। पिताजी आ तो झाड़ू भी लगा दी दिखे। अरे बका रोटी तो खा जाता, छोड़ के चला आया, तबियत तो ठीक है तेरी? भूख ना लगी है अभी। अरे करण तू एक काम कर, इसकी रोटी ही ला के दे दे और मैं जा रहा हूं प्रधान के घर। ठीक है पिताजी। ममता कहाँ ध्यान है तेरा? कुछ ना, बस ऐसी पता ना मैं क्या सोचने लगी। ऐसी कौन सी गहरी सोच में है? लगे फिर मिल गया, देखा वो आम वाला? यही तो सोच रही, वो अब क्यों ना मिलता। ममता तू तो गई काम से, अब तो तेरा कोई इलाज ना हो सके। ना पूनम ये बात ना है, पर पता ना क्यों बेर बेर उसी की याद आवे। ये उम्र ही ऐसी है, अब के तुझे मेरी याद आओगी। फिर क्या आवेगी, मैं या उसकी याद? मैं तेरी बात कर रही। कभी तू भी आ जाएगा, तेरे पैरों में मेहंदी तो ना लग रही। करण जाके देख के तो आ, मनीष तड़के थे भूखा पैसे पता ना कहाँ घूम रहा है। कहाँ देख का उमा, राजू के यहाँ भी देख आया था, सारे में देखा है कहीं भी नहीं मिला। और तेरे पिताजी कहाँ हैं? यूँ कह रहे थे जगदीश प्रधान के यहाँ जा रहा हूँ। लाला कहाँ चला गया था? सारे में ढूंढ आए, भूख ना लगी तड़के थे निकला हुआ है। खा लुआ मैं अभी, जी ना कर रहा। मैं तेरी रोटी ले गया घेर में, पता ना कहाँ चला गया तू। मनीष कैसे हो रहा, पैसे वैसे चाहिए खर्चे को तो ले ले। ना पैसे ना चाहिए। माँ तू अपना काम कर, खा लेगा वो अभी। मनीष के बात है, तो पेपर भी खत्म हो गए? अरे बात ना कुछ भी। देख मनीष, या तो कोई परेशानी है जो तू बता रहा नहीं चाह रहा,
अपनी मेरी कोई बात बुरी लग गई? तू भाई है मेरा, तेरी बात बुरी लगेगी। तो बता बात क्या है, तेरा ही भाई हूं मैं भी, बचपन से इतना आज तक कोई बात ना छुपाई, फिर आज क्यों? अच्छा अब तू काम कर ले, मैं कल बता दूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर तू खाना खा लियो। ठीक है मैं खा लूंगा। ठीक है। होगा टाइम चाय लाने का? इब ले तो आई, लग गया टाइम, लो चाय पी लो। अरुण में सुनाया कोई सा? करण तो नहारा और मनीष अभी सोके ही ना उठा। है सोके ना उठा? पता ना क्या होगा उसे, हंसता खेलता फिर जाता, खेलता कूदता अच्छा लगे था। हाँ तब मैं चोखा लगे था, जब हंसता खेलता फिर रहा था तो वाकी जान खाते रह थे। अरे मैं दुश्मन ना हूँ उसका, बाप हूँ। मेरा जी भी जब लग गया जब सब उल्टी सुध दिखाऊ था और फिर वो मुझसे बहस कर रहा था। तुम क्यों ना पूछते उससे, के बात है मुझसे ये देखा ना जाता। अरे तू जी छोटा मत करे, मैं करण से पूछूंगा, उसे पता होगी क्या बात है। मैंने करण से भी पूछी, उसे भी ना मालूम। तो राजू को पता होगी, मैं पूछ के आऊ उससे। चाय तो पीते जाओ, चाय क्यों रख दी? जब औलाद खावे पीवे ना तो अच्छा लगे, माँ बाप का पेट तो वैसे भर जा, वो तो कुछ खाने रहा, मैं खाता अच्छा लगूंगा। राजू, ओ राजू, अरे सो रहा के? चाचा राम राम, आ जाओ, सोना रहा वैसे ही लेट रहा। राम राम, ठीक तो है तू? हाँ मैं ठीक हूँ चाचा, तुम ठीक हो? अरे मैं तो न्यू आया था, मनीष तो कुछ बताता ना के बात है, तुझे तो पता होगी। मुझे पता होगी इस बात की? कई दिन हो गए ना तो कुछ खावे पीवे ना, हंसा बोल रहे, घड़ा ही परेशान था, पता नहीं के बात है। अच्छा दो दिन से तो मेरी उससे बात भी ना हुई। बेटा तू हमें पता करके बता बात क्या है, हमारा तो जी घड़ा परेशान है। चाचा तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा, अपने रिजल्ट की वजह से परेशान हूँ। रिजल्ट की बात तो यू है, जैसा हर साल आवे उससे घड़ा खराब कराने से रहे। अरे फेर ही तो हो सके, फोन दे, हंसता खेलता रहे बाढ़ तो अच्छा लगे, हमारा बिजली लगा रहे। ठीक है चाचा मैं उससे पूछ के बताऊंगा। ठीक है जा, ना तुझे पता ना हमें पता, भैया अब तो राम ही जाने। बड़े तो इतना बैरी कर पार या नैया मेरी, मत बड़े तो इतना बैरी कर पार या नैया मेरी। मैं ढूंढू जिसको दर दर, मैं ढूंढू जिसको दर दर, वो मेरा यार मिला दे मने एक बार, मिला दे वो मेरा यार मिला दे मने एक बार मिला।
एक झलक के मारे नैन कबूतर थक गए आंखों की क्यारी में नीर दुखों के भर गए। एक झलक के मारे नैन कबूतर थक गए आंखों की क्यारी में नीर दुखों के भर गए। ये कैसा जब जहर ये कैसा जब जहर बिन पिए ही हम तो मर गए। बूंद मिलन की बरस जा कुछ तो खाने तरस सा बूंद मिलन की बरस जा कुछ तो खाने तरस सा। जिसे ढूंढना चाहवे दिल जिसे ढूंढना चाहवे दिल वो मेरा यार दिखा दे मने एक बार मिला दे। वो मेरा यार दिखा दे मने एक बार मिला दे। मत बने तू इतना बैरी कर पार या नैया मेरी। मत बने तू इतना बैरी कर पार या नैया मेरी। मैं ढूंढो जिसको दर दर मैं ढूंढो जिसको दर दर वो मेरा यार मिला दे मने एक बार दिखा दे। वो मेरा यार मिला दे मने एक बार दिखा दे। वो मेरा यार मिला दे मने एक बार दिखा दे। वो मेरा यार मिला दे मने एक बार दिखा दे। वो मेरा यार मिला दे मने एक बार दिखा दे। ममता ए ममता आज के आँख खोल के सोरी। तू तू कद आई जब तुझे होश आया। आ बैठ आज तो कई दिन में आई तू। मैं तो एक फेर के लिए आ भी जाऊँ तो आती भी ना पता ना कहाँ खोई रहती हो शाम वाले के चक्कर में। पूनम अब तो पेपर भी निपट गए और स्कूल जाना भी बंद हो गया और नहीं तो रास्ते में तो मिली जावे था वो। तो के हुआ एक डेढ़ महीने में फिर खुल जाएंगे स्कूल। तो तू महीने की बात कर रही मारे लिए तो एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा बहुत याद आवे है उसकी। पर ममता अब तू ही बता अब मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे। चल वही चल रहे खेतों पे शायद उसके खेत वही आसपास होंगे वो वही मिल जा। ममता तू पागल होगी के गारंटी वो वहाँ बैठा होगा। और फिर तू ही तो पागल है उसके लिए क्या पता वो तुझे याद करे या ना करे। पूनम वो मुझे याद करे या ना करे पर मुझे तो वो बहुत अच्छा लगे है। चलो ना मेरे लिए हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ऐसे दिल कच्चा नहीं करते ये चेहरे दिलों के भेद खोल देते हैं। चल इस हाल में तेरा साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा। चल चलते हैं। मनीष यार तू यहाँ बैठा मैं तुझे सारे गांव में ढूंढा। कैसे परेशान सा हो रहा क्या बात है। तुझे पता ना क्यों परेशान। अच्छा तो तू उसकी वजह से परेशान है और वो सब तेरी वजह से परेशान है। चाचा भी आए थे। पिताजी आए थे क्या कह रहे थे। यार कहते क्या नू कह रहे मनीष ना खावे ना पीवे ना हंसे ना बोले ऐसी पढ़ा रहे। मैं के करूं राजू तू ही बता हर टाइम आंखों में बस वाई वाई रहवे और कुछ नजर ही नहीं आता। यार तू खा पी सबके साथ हंस बोल कर चिंता किस बात की कर रहा और फिर राजू तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता। यार मैं तलाश करूंगा उसे चल अब घर चल। राजू मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है।
मनीष तुझे भूख ना लगी? कहीं ना, बस यहीं था। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी ले आऊं। थोड़ी देर में खा लूंगा मैं। अरे खा ले अभी, आ तो सब्जी भी तेरी पसंद की बनी है। हाँ खा जो ले, जो बच जाएगी मैं खा लूंगा। अरे तेरी तो नियत भरे ना, तेरा पेट भरे। मनीष रोटी ना खाता हो तो दूध ले आऊं। अरे मनीष ले ला ले, 100 रुपए दर। 3-4 दिन हो गए तू कहीं गया भी ना, तड़का कहीं घूम आई है ना? पिताजी तुम रख लो। रख लेना जब इतने प्यार से दे रहे हैं तो। अरे ले पकड़, कुछ खा पी लीजिए। तुम रख लो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। रख ले मनीष, चबाद में मेरे दे दिए, ऐसा मौका क्यों खो रहा है? अरे कदी एक आध बात तुम्हारी खुशी के लिए भी मान ले कर, और बीमार की तरह मत रह कर, खा पी और मस्त रह। तुझे काहे की फिक्र है, अभी तो हम बैठे हैं, खाता पीता बालक अच्छा लग रहा है। तू काहे की चिंता कर रहा, बैठे हैं अभी हम। करण, ओ करण, अरे लाला यहीं है। हाँ पिताजी। एक काम कर, हम तो दिन से हिसाब कर ला, पर्चा ले जाइए। कहाँ रखा पर्चा? पर्चा तेरी माँ को दिया था, टैम भी आज के देख गया। टैम? टैम कीमत बताओ? पिछले 6 महीने से 36 बार दे चुका, पर पैसे आज लो भी नहीं दिए। जा रहा हूँ। चाचा राम राम। राम राम, आजा। मनीष को देखना है ना? अरे वो घर दिखे। अरे राजू एक बात सुन। हाँ चाचा। अरे कुछ बताई मनीष ने, क्यों रहे हुए ऐसा? चाचा तुमने तो बिना मतलब के अपना दिमाग खराब कर रखा, वो अपने रिजल्ट की वजह से परेशान। अरे आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसे? अच्छा चाचा फिक्र की बात ना, तुम्हें पता ना आपका मेहनत कितनी करी। हाँ कहवे तो तू ठीक है। आपका तो वो नू और कह रहा, 6 बार तो लुढ़क लिए, और जो आपके लुढ़क गए तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी। अरे तू कह दिया उससे, इतने फिक्र की क्या बात है, जहाँ 6 बार हो लिया वहाँ 1 बार और सही, उसके फेल होने से हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। और मैं तो नहीं कह रहा था, पेपर को कुंभ का मेला थोड़ी है, अगले साल फिर आ जाएंगे। पेपर तो थार लिया, कुंभ का मेला ही है, तब एकदम लुढ़क जाओ, फिर देखियो मास्टर तब स्कूल में घुसड़ देंगे, और तब घर तक छोड़ के जाऊंगे। माँ के होया, पिताजी कैसे हो रहे हैं? बेटा बुखार हो रहा है, और यूं कह रहे खेत पे जा रहा हूँ पानी लगाना। तुम रहन दो, मैं चला जाऊंगा, तुम आराम कर लो। ना तू रहन दे, तबियत तेरी भी ठीक से नहीं लग रही, पानी तो चलाना है, मैं चला लूंगा। जा रहा हूँ मैं, तुम यहीं रहो। कहाँ जा रहा है मनीष? मैं खेत में जा रहा हूँ पानी चलाना। चल मैं भी चल रहा हूँ, दोनों जल्दी आ जाएंगे। ना ना तू यहीं रह, पिताजी को दवाई दुआ लाइए और देखभाल कर इनकी। आज तो सारा काम खत्म हो गया। हाँ मौसी जी, सारा काम निपट गया। एक बात है, 2 कदम माँ से आगे वो भी ना पता चलन देवी थी। जब तू 2 साल की थी बेटा, तब सारे गांव में पीलिया फैला था, कितने लोगों की जान चली गई, और उसमें तेरी माँ भी। मौसी मुझे ही ना हुआ अपनी माँ का प्यार नसीब, वरना हर लड़की अपनी माँ को अपनी सहेली मान अपने मन की बात कह ले। वे पगली मैं हूँ ना। अरे मौसी का मतलब माँ जैसी हो वे। अपनी मन की बात बता, क्या है? अच्छा ये बता के है तेरे मन में, ब्याह के बारे में सोच रही क्या? क्या मौसी मुझे ना पता। जब खुद को मैं तेरी माँ बता रही, बता कैसा पति चाहिए? लंबा पतला मोटा ठिंगना बता।
जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। तू तो दो दिन के लिए आई थी यहाँ पे, अब तो हो गया, यहीं ठहर गई, घर नहीं चलना क्या? के करती, ममता ने जाना दिया। अरे तो इसे भी अपने साथ लिए चल। क्यों ममता, ठीक है ना? राम राम चौधरी साहब। राम राम। राम राम। और सब राजी खुशी? ठीक ठाक है। मैं यूँ कह रहा था, मैं ममता को दो चार दिन के लिए अपने साथ लिए जा रहा हूँ। हाँ तो ममता थारी बेटी है, ले जाओ। इब तो वैसे भी इसके पेपर खत्म हो लिए। ठीक है बेटे, अपने कपड़े लत्ते तैयार कर ले और तू भी बांध ले अपना गट्ठर। क्यों मनीष भी अपने कपड़े कहीं फेंक दे, संगवा के नहीं रख सकता। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, पहले तो पैसे निकाल के ले जावे था, सोचता खाने पीने का हमारा अच्छा लगा था, अब तो पैसे भी ना मांगता, ये दिए ये भी ऐसे पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया। कैसे रुक गई बेटी? पिछला मौसी ने वो पैर मुड़गा। पैर? पैर मुड़गा? बेटी जल्दी आ रहा, इस गांव में आवारा कुत्ते बहुत हैं, कभी बंबोड़ दें। के मिल गा, मारी भैंस कोई तो वहां मिल गई के फंस गया दिखे भैंस ना, वो मेरी किताब खो गई थी, वहां मिल गई, वो तो हम बता देंगे जब चार दिन पीछे रिजल्ट आएगा। के बात है, के मिल गई? अरे वो मिल गई। मिल गई कहां? मिल गई वो कृष्णा चाचा है ना, उसकी अहली आ रही थी, मुझे लगे उनकी रिश्तेदार है। मनीष मैं तो वो करण है, सुन तो सही।
राजू के कर रहा? देखना चश्मा बनवा ले भाई। अरे तू रे आ यार। बड़ा खुश हो रहा, क्या बात है भाई? अरे वाह लड़की मिल गई यार। क्या? हाँ मिल गई, लेकिन कहाँ? वो अपना कृष्णा चाचा है ना, उसकी साथ आ रही थी अभी। क्या कृष्णा चाचा के साथ? हाँ यार। भैया बच के रहिए, ये तो उल्टा कर दे, कृष्णा चाचा है भी पूरा राज। यार तो हिम्मत बढ़ाने थे तो रहा और हौसले पस्त कर रहा है। यार मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन कृष्णा चाचा के साथ वो हमारे गाँव में, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार उनकी कोई रिश्तेदार होगी। अरे यार चल जो भी है तू दिखा दे। चल यार तुझे तो दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। भगवान कसम तू देख तू ना पागल हो गया ना तो कह दिए। ओ भाई ऐसा इस गांव में एक ही पागल तो होता है। वो तो कहीं ना दिख रही यार। चुप धरा रहे, यहाँ खाट गिर के बैठेगी वह बीच में, आती जाती दिखाई देगी। टिक 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 बारी। मनीष। हाँ। अरे भाई मुझे तो लगा तेरी किस्मत जागी दिख रहा भाई। हाँ हाँ अरे ओए पूरा सुनिए, तू कहां मरे यहां? के है जल्दी बता, टाइम ना मेरे धोरे। तू के लेन गया था रे वहां? तू क्या ले, ऐसा है तुम कितनी बकवाद कर लो पर इस महाभारत में मेरी जरूरत भी पड़ेगी। अरे लेने देने की छोड़, नाम बता, कुछ पता चला तुझे? ममता। मनीष। अरे भाई मुझे तो लगा ही हुई पूरा राज है, अपने चक्कर में लगा दिखा है। अरे के करे तुम यहाँ, काम ना कुछ? काम कुछ अच्छा? हम तो अच्छा वो रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिजल्ट के बारे में? क्यों कहाँ गया था रिजल्ट? गया कु के पंख लग रहे हैं उसके, कल मिलेगा। तो कल तक यहीं खड़े रहोगे? अरे राजू तू जा नहीं तो ये न्यू ही करते रहेंगे। न्यू करा कैसे करते रहेंगे, हमें पागल मान रहा मनीष वो टाइम बाद ही कर। हाँ हाँ कल मैं 9 बजे मैं 9 बजे टाइम पे आ जाऊंगा मैं। चल घर चल। करण तू आज खाट ऊपर गिर दे, हम मच्छर बहुत हो रहे हैं। घनी बकवास मत कर, यही लगे मच्छर, मच्छर ने ऊपर का स्तर देखा? पिताजी तुम हर बात में टांग मत अड़ाए करो, मैं ऊपर मच्छरदानी लगा लूंगा। देख ले क्या उल्लू वाली बात कर रहा, अरे मच्छरदानी तो यहां भी लगा सके। पिताजी ठीक ही तो कह रहा मनीष, सो वही तो है, ऊपर सो जाओ या नीचे सो जाओ उसमें क्या दिक्कत है। मारे से तो जाके तू जोड़ में सो जा, मारा की बिगड़े है। ठीक है मनीष मैं तेरी खाट ऊपर रख कर रहा हूं। पड़ा रहे टाल मार, तुम्हें सोने को खेत खलियान चाहिए, यही पड़ा रहे। मातेश्वरी कैसेट प्रेजेंट्स अरे इतनी देर कर दी यार आने में। देर कर दी भाई, पूरे 9 बज रहे, तू टाइम से पहले आ गया। अच्छा नो बता दिखाई दी क्या? अरे कहां दिखाई दी, मुझे लग रहा सोरी दिखे। तो फिर छोड़ दे चल। जब तक दीदार यार ना हो कैसे उठेंगे कदम, और जब तक जी भर के ना देख लें कैसे चलेंगे हम। यार तन्ने भी मोहब्बत नहीं की ना, तुझे कुछ पता नहीं है। बेटे तेरी टाइम होगी, अब चल रिजल्ट भी लेकर आना भाई।
राजू मुझे तो मिल गया रिजल्ट। मैं तो यहीं पास हो गया, बस दिल का पास हो जाऊं। अरे जब तक यहीं मर रहे हो तुम। अरे आओ होश में बोल। तेरे 50 पर कहली ना के आकर इतनी सड़ान मार रही है वहां भी भगा दी। अरे तुम गए ना अभी राजू? घर से तो 1 घंटा पहले आ लिए थे। गाड़ी को गेर दे गेर में। गेर में गेर दे भाई। क्यों दिख रहा ढंग? तुम पढ़ कर जरूर कलेक्टर बनोगे। पता नहीं क्या हुआ होगा, वाला का है ना रिजल्ट लेके। जो भी होगा पता पड़ जाएगी, आते ही होंगे। अरे ऐसा कर रिजल्ट ला रहे हैं, संजीवनी बूटी ला रहे हैं। 2 बजने को आए, अभी तक तो आए ना। हम तो बालकों के पीछे पड़े रहो, रिजल्ट मिलेगा सुधे घर ही आवेंगे। रिजल्ट को ऐसा बता रही है सर बिल्कुल पास होकर आऊंगे। मास्टर कल फूलों की माला करके भेज जाएगा। हम तो ऐसे ही रोते रहो, और कोई काम तो है ना तुम्हें। चल तो अपने आलू काट। अरे पवन कैसे मुंह चबोनी सा हो रहा? कुछ ना यार, इस बार भी रह गया। अरे फेल ही तो हो गया, अब क्या हो जाइए पास? अरे मैं भी तो इस बार ही पास होया हूँ। पिछले 6 सालों तो हम फेल होते आ रहे हैं, देखे आते ना कभी मुंह बनाए हुए। चल छोड़ सारी बात, इस बार तुझे दावत हम देंगे। दावत? पर मैं तो फेल हो गया। तू फेल ही तो हुआ है पर हम तो पास हो गए। आज तक तो ने पास होने की दावत ली है और आज हम तुझे फेल होने की दावत देंगे। तो फिर दे दे दावत। हाँ हाँ बता कहाँ ले? अपने घर पे ही दे दे। हमारे घर पे पिताजी बना देंगे हवाई जहाज। अरे तू एक काम करना, तू अपने घर पे ले ले चल। ना भाई ना, एक तो मैं फेल हो गया, ऊपर तो अपने घर में दावत करूं। मेरे पिताजी की तो तुम्हें पता ही है। अरे हमें ही तो पता तू फेल हो गया, तू किसी से कही ही मत। और अपने पिताजी तो भी नहीं कह दिए पास हो गया। और जब दावत हो जा फिर बता दिए। और के खामा खामे डर रहा तू? तो ठीक है, दावत घर की बजाय घेर में करेंगे। हाँ हाँ हाँ। आज शाम को दावत है, घेर में आ जाना। इतनी जोर से क्यों बोल रहा? बहरा ना हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है। तो दावत में क्या खुआ रहा? राम राम बेटा। पिताजी पास हो गया मैं। देख लिया, तुम तो मेरे पूत के पीछे जूता लिए फिरे जाओ थे, कह रहे थे होएगा पास, पड़ेगा फूलों का हार। देख लो फूलों का हार पड़ा है कि ना। ठीक है तू, अब कहता मनीष ने पास होकर मेरे नाम रोशन कर ही दिया। पिताजी तुम मुझे पैसे दे दो, मैं थारा और नाम रोशन कर दूंगा। तो आज ही पैसे की बात कर रहा? आज तो मैं पूरा खुश हूँ, आज तो मैं अपना पूरा खजाना तेरे पे लुटा दूंगा। ले बस 5 रुपए। थारे कुर्ता धोती भी खरीद लाऊं इनमें? ना ना कुर्ता उर्ता बदलाइए, खा पियर मौज कर। मैं क्या करूं इनका, मैं ना लेता ये थोड़े ये। 500 रुपए दे दो तुम, जब कह दी ना है और जा। ना दे रहे तुम, दे दो जी भी मांग रहा है तो। बकवास मत कर, अपना काम कर, बड़े तीर मारे 6 साल में पास होकर। जा रहा हूँ मैं, ध्यान रखियो। जा जा रहा हूं मैं। अरे जा परे को, पकड़ो अपने पैसे। जा रहा हूं। टड़ा करना। अरे अमरेश है, के कर रहा है भाई? अरे आजा मनीष, कैसे आया? आया के पिताजी ने भेजा हूं, 1000 रुपए मंगा रहे हैं, कुछ काम है। अरे पैसे तो ले जा, पर कल परसों में दीजिए, मुझे फतेह सिंह से भुसलाना है। चिंता क्यों कर रहा है, टाइम से पहले आ जाएंगे। ले गिन ले। अरे गिनने का टाइम ना, सब ठीक होंगे। ना तू जानी ना मैं जाना, ना तू जानी ना मैं जाना, दिल यहू 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 कर गया। ना मैं समझी ना
अपन कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ला दे मैं ले पी। अरे कोने में पियूं खड़ो अरे मैं। ममता तुम्हारा नाम क्या है? जो तुम ले दो। लो एक समोसा लो ना। समोसा? मनीष मुझे भी दे यार। अच्छा तू भी ले। अरे पवन तने कभी कोने में खड़ो हो खाया समोसा? समोसा खाने को भी जगह ढूंढ ली पड़े है। अरे आ तो सही। मेरा नाम मनीष है। ओ फिर आ गया। बिस्कुट लो ना। बिस्कुट मुझे भी दे यार। अच्छा तू भी ले। अरे आ पवन। क्यों बिस्कुट खाने को भी कोना चाहिए। अरे आ तो सही कोने में चल रहे वहीं खड़ो खाऊं। अरे ये कैसे हो तो मचा रखा है। अरे यू कहां तो होगा। अरे डंगा कैसे जुड़ रहा है। पिताजी वो पास होने की खुशी में दावत चल रही। दावत? अरे तू कौन सी दावत दे रहा है। पिताजी दावत मैं ना मनीष दे रहा। फिर ठीक है पर तू ये तो बता तू इस बार तो पास हो गया या अब के भी रह गया। चाचा ये तो घने नंबरों से पास होया है। आज तो तुम इसकी पीठ थपथपाओ। अरे हाँ पास होने से याद आया ममता थारे घर से फोन आया तू भी बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई है। ममताज तो तू डांस करके दिखा दे। मैं क्यों नाचू पास तो तुम सब भी हुए हो तुम भी नाचो। अरे तू नाच तो सही हम भी साथ देंगे।
करे। दीवाना तू मने बना गी एक झलक दिखला के, मैं हूँ धाकड़ छोरा छोरी काहे को डरे, मैं हूँ धाकड़ छोरा छोरी काहे को डरे। धक धक दिल धक धक करे, धक 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 दिल धक धक करे, धक 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 दिल धक धक करे, यूपी का यो छोरा छोरी तेरे पे मरे। धक 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 दिल धक धक करे। यहाँ कैसे बैठा? मैं वो यहाँ तो तेरा ठिया यू हो रहा चौपाड़ है, तेरी पंचायत हो गए यहाँ 24 में से 25 घंटे ही धरा रहे। मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से बैठा हूँ। जरूरी काम? और तू? मैंने कहा कट जाएगा, घेर लो चल, वहाँ बहुत जरूरी काम है, उन्हें करिए। जरूरी काम से बैठा हूँ। चलो तब मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ गैल चल मेरी, फिर ना आने का तू? अपना काम तो करना जाता है, हर टाइम काम ना करा जाता है, काम ना करा जाता है। मैं जब अब किसी जरूरी काम से बैठा हूँ। मैं नु करा हूँ इनका उचल। अरे उनका कहाँ जावे इंगा कुआ? एक काम कर चल पानी ला भर के इसमें। अरे सुन पानी बाद भरिए, टोकर ठा और ढोरों को सामने कर पहले। अरे सुन न्याल बाद में कह दिए, पहले पानी भर ला। पानी लाऊ टोकरा लाऊ? पहले पानी भर ला और पानी भर कर फिर झाड़ू लगा दिए और जल्दी आ जा। अरे भर दिया पानी? हाँ हाँ सानी भी कर दी। सानी भी कर दी तो कहाँ जा फिर? यहाँ चल मेरे पांव दबा। थोड़ी ताकत लगा ले। हाँ हाँ करण मैं आ रहा हूँ। ना ना ऐसी कोई बात ना है, अपना काम कर। अरे सुन सुन कहाँ जावे? किताब ले आऊं उस पे थे, राजू पे थे। किताब? तेरा तो रिजल्ट भी आ लिया। तो अगले साल की पढ़ाई कर लूंगा, जब तो थारा नाम रोशन होगा। हाँ एक साल तो पढ़ जाती ना, अगले साल की पढ़ेगा। ले आऊं मैं। अरे सुन तो सही। राजू तेरी सारी बात ठीक है, पर न्यू बता ममता थे मिला कैसे जावे? रात में सोच रहा था छत पे खाट घेर लूं, वो भी ना गिरण दी पिताजी ने। अरे मुझे तो मुश्किल लग रहा मिलना मिलना। वो किसना चाचा चाची तो हटा मैं से घुसे रहे अला मजनू की ढाण, पता ना क्या करें, तो कहां से मिला जा बता। मुझे पिटवाण के बहुत आईडिया तेरे धोरे, अब ना कोई सा। मनीष खोल दिमाग की तिजोरी और निकाले का आईडिया।
हाँ और सुनो, चल तो भाई खड़ा हो ले। हाँ हाँ ऐसा कर, पैसे ले जा। ठीक है। फेल हुआ तो हुआ, ऊपर से झूठ और बोला, मुझसे कहीं मैं पास हो गया। जो बालक अपने बाप से सच नहीं बोल सकते ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अब टल जा घर में, तू मैं तहसील जा रहा हूं। और सुन, निपटा यही हो काम को? ठीक है पिताजी। सुन रहे हो? हाँ बोल, तू क्या बाजार को जा रहे हो? सब्जी लेते आना। लेता आऊंगा। ले भाई, बुढ़ा तो गया। आए तू गया? हो जाओ शुरू। अच्छा मैं भी करूँ। हाँ जल्दी जा। चाची राम राम। अरे कौन, क्या कर रहा? कुछ ना, घेर को जा रहा। घेर में जा रहा? एक बात सुन लो। क्या घेर में फेंस रहा जी? एक बात है बहुत बढ़िया, बाहर चल के बताऊं तुझे। ना यार, पिताजी मारेंगे आके। बेटे तुमने बात ना सुनी ना, सारी जिंदगी पछतावा। बता दो जल्दी क्या बात है। बाहर बताऊंगा चल। तेरा पास होने की दावत देंगे चल। ये इतनी काम की बात बताऊंगा, तेरी किस्मत बन जाएगी बस। माई मैं कहां ले जाके मारूं इसे? बस मेरे पेट में दर्द होगा। तू एक काम कर, एक मिनट रुक, मैं पांच मिनट में अभी आ। मारा फोन आ गया? किसका फोन आ गया? अच्छा अच्छा ठीक है, चलती हूँ। ए ममता, बेटा ममता, देख फोन आया, जरा सुन के आऊं मैं। ले सब्जी काट ले बेटा। बन गया काम, गई बुढ़िया। अबे यूं ही थी मजे की बात, मुझे खड़ा करके खेत में घुस गया। ऐसे घुस गया जैसे नवा नवा मेहमान सुराड़ में घुस जा। साला पानी का डब्बा भी ना लाया। ममता, तू कैसी है? तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। जब से तू आई है जब से ही ठीक हूँ। पहले ठीक ना था तू? पहले तो बस हर टाइम तुझे याद करता रहूं था। ऐसा क्या है मेरे में? मुझे क्या पता, पर मुझे तू बस अच्छी लगे। पर मुझे नहीं तो बता मैं तुझे कैसा लगूं? तू मुझे बहुत अच्छा लगे, मैं भी तुझे रोज याद करूं थी। ब्याह करेगी मेरी गैल? तेरी गैल ब्याह के तो मैं रोज सपने देखूं। अब तू जा, फिर आइए, कोई आने वाला होगा। कोई कोई ना आने का, मैं सबे काम पे लगा के आया हूँ। सारा नू कह रहा था पार्टी दूंगा, यो है तेरी पार्टी, यहाँ ला के फेंक दिया। यो ही है ताज होटल। अबे आ रहा ना आ रहा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। और ठीक हो? और मौसा भी ठीक है? और पवन भी ठीक है? अच्छा, और आस पड़ोस में सब ठीक ठाक है? अच्छा हाँ हाँ ठीक रह करो। हाँ वो पड़ोसी ठीक है सब? पागल हो गया क्या? दो घंटे से ठीक है कह जा रहा। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक रह कर मौसी तू, ठीक है। अरे जा। तू चला जा मनीष, अगर कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे जहाँ मनीष हो वहाँ गड़बड़ फटक भी नहीं सकती। मनीष कोई आ गया? तू मैं जाता हूँ इधर। नहीं और? नहीं तू अंदर चल। अरे ये तो रह गया। नहीं तू अंदर। मौसी जी नमस्ते। ममता इतनी देर कैसे लगा दी? वो आंख लग गई थी। क्या बात है, तू घबरासी रही? ना तो। सब्जी काट ली? हाँ काट ली।
सब्जी तो ऐसी कैसी पड़ी, कहाँ कटी? मौसी किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन, बकवास ही कर रहा था। चल खेतों पे चल। मौसी मैं क्या करूँगी खेतों पे? चल। वो मौसी जी मैं एक मिनट में आई, आप चलिए। ठीक है मैं चल रही, तू आ जा। अब कहाँ ढूंढा उसे? अरे ढूंढने की टाल मारो, मैं यहीं हूँ। चलो तुम्हें कहानी सुनानी पड़ेगी सारी। लो जी चाय पी लो। मैं नू कह रही अपना मनीष कितना सुधर गया और अब तो काम भी करने लग गया है। हाँ ये बात तो है, अब का पास ही बढ़िया नंबरों से हुआ और मुझे तो ऐसा लगा है अभी बाहर नाम रोशन करके छोड़ देगा। राम राम जी। राम राम, आओ बैठो। ओ सुनाओ कैसा आना हुआ? आना कहा, मैं तो कई दिनों बाट देख के आया हूँ। काहे की बाट देख रहा था? वो तुमने 8-10 दिन पहले मनीष के हाथ 1,000 रूपए मंगाए, उन्हें लेने आया हूँ। 1,000 रूपए? अरे सुन रही है, तेरा मनीष सुधर गा, देता मैं इसको 1,000 रूपए। अब ठीक रहा, वो तो 500 ही मांग रहा था, 500 तो बसते। प्रवचन बता सुनावे, दे दे से पैसे, आज बता दूंगा उसे। लो जी। ये हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे? इब ना करेगा, मैं समझा दूंगी। तो उसका आर्ता उतार लीजिए और गोद में बिठा लीजिए, तने बिगाड़ रखे ये। देख मनीष, तेरी सारी बात ठीक है, पर भाई तुम मिलने मिलाने का ना जो खतरनाक खेल मत। यार जिस मुलाकात में खतरा ना हो की मुलाकात है? कल तो तू हमने बचा लिया था और आज फंस गया तो? अरे मैं ना फंसू, तुम खामा का चिंता मत करेगा। देख भाई मनीष, अगर तू तुम्हारा सच्चा यार है ना तो खुद फंस जाइए, पर हमें मत फंसवा दे भाई। ले करण पैसे पकड़, चल भाई राजू। चल भाई तेरे लिए तो उल्टे काम करने पड़े। और अपना काम जिम्मेदारी तो करियो। जिम्मेदारी का ऐसा बता रहा जब से मील का ठेका दे रहा हूं मैं। मैं तो एक बात बता, बेवकूफ मार ला क्या मुझे? जरा सी देर क्या होगी, बावड़े कुत्ते की ढाल भग गया यहां से। बकवास मत करे, दावत तो तू जब देता जब तेरे दस्त बंद होते, ज्वार में जाके भर गया घंटों ना लिखड़ा। थोड़ी देर बाट ना देख सकता तू? मरगा 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 यार, पेट में दर्द हो रहा। एक मिनट रुक, मैं 5 मिनट में अभी आ। चाची तेरा फोन आया। फिर आ गया फोन, पता नहीं किसका, तू जाके सुन क्या। हाँ क्या आया, हो गया? भागो यार देर न हो जा। चाची राम राम। तू फोन ना सुन काई? तुझे कैसे पता फोन की? फोन की, फोन की तो वो एक लड़का रुका मचाता जा रहा था अभी गली में को। पता नहीं कौन पागल है, कल भी आया था फोन, ममता गई है सुनने। ना चाची मुझे तो काम है कुछ, मैं तो जा रहा हूँ। काऊ राम राम, थारी भैंस खुल गई था वहां? अरे कहां खुल गई? वहां सामी, भाग के पकड़ो। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी देर मेरे से बात कर ले। तुम यहां किसी ने देख लिया तो? कोई बात नहीं, आज तने देखा कल सारा जमाना देखेगा। तुमको डर नहीं लगता? तुझे लगे? अब नहीं लगता। क्यों?
तुम्हारा साथ जो है साथ निभा लेगी उम्र भर हर मोड़ पे। मेरी निया के कर सके इशारा करके देखो, बस कभी अपने से दूर मत करना। ममता तेरे ये शब्द मेरी ताकत बनके हर मुश्किल से टकराने में मेरा साथ देंगे। मनीष हम तुम्हारे साथ ही जीना चाहते हैं। हम तो मरना भी वहीं चाहते हैं जहां तुम्हारी बाहें हों। मनीष तुम्हें हमारी कसम कभी ऐसा मत कहना। अरे कहां खुल गई, इस बुड्ढे को भी गैल ही मर गया, अभी तो रहा बांध गया था इसका। अरे भैंस तो कहीं भी ना खुली। अरे ना खुली, ले मैं देखूंगा कैसे ना खुली, अभी तो देखी थी। किसकी खुल गई, किसी और की होगी। अरे लते धो दिए तने मेरे, तुम तो 20 बार कह ली कि धो दिए, पता ना कहां ध्यान रह वे। अरे नारा ध्यान बूझ ली। करण तू एक काम कर, बाल्टी में खड़े भिगो दे, तू भी सारे घूमता फिरे जा। मैं ऊपर था, कुछ काम कर रहा था। आजा आजा लाड साहब आजा। अरे धूप बत्ती जला के इसका आरता तो धार लो, थारा देवता लिया। पिताजी कभी प्यार ते ढंग ते भी बात कर ले करो तुम मेरी गैल। अभी करूंगा तेरे ढंग से बात। अरे मैं 1,000 रुपए कैसे लेकर आया, क्या कहा था ना उनका। अरे पे मांगना रहा था, दिए क्यों ना थे। तो 500 ही ले आता, 1,000 क्यों लाया। अब मेरे पे रोज रोज ना मांगे जाते, इस मारे दो बार के समझ लियो। तू भी न्यू कह रही है 500 ले आता, जैसे पेड़ पे लग रहे हैं पैसे, काम करते तो दम लिख रहे। हम तो किसी तरह ना मांगते पैसे। कान पे मारूंगा ज्यादा महात्मा बनेगा तो। 300 रुपए तो तने लिए उसमें थे। पिताजी झूठ बोल रहा है, मुझे पिटवाने की सोच रहा है। लिए होंगे तूने भी, तू भी तो 24 घंटे इसकी गैल घूमता रहे। सुधर जाओ, मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, तुम आदमी हो रहे पूरे, थोड़ा सींग निकले। और चलो चलो घर चलो, रोटी खा के आ जाइयो। रोटी की जरूरत तो है ना, टाइम तो पहले डांट खाने को मिल जा, अब चल। हाँ तुमने गाँव में कोई घर तो छोड़ा ना, किसी से 1,000 किसी से 500, कुछ कसर रह गई हो तो हमें बेची आओ, हमारे घर पे बेची आओ, ले जाए ना, बैठा के जिमा दीजिए। और न्यू भी बताते है गाँव में कौन सा घर रह रहा जिससे पैसे लाने। ममता तेरा जी तो लग रहा है, कोई दिक्कत ना। राम राम बेटे, राम राम। हाँ आ रही। हमारा फोन आया, जल्दी चलो। फिर आ गया फोन। आज या तो ढंग में बात करेगा ना तो मैं उसे सुधार दूंगी। चल। अच्छा ममता मैं जा रहा हूँ, जरा सामान ले आऊं। कैसी हो ममता, मेरी याद ना आई हर सांस पर। अच्छा ये बताओ इतना दिमाग कहाँ से लाते हो। अरे जब प्यार होता है तो मिलने की तरकीब तो अपने आप ही बन जाए। अरे मैं भी कितना उल्लू का पट्टा हूँ, ऐसे तुम्हें घर ही भूल आया, उसके तो पहले भी पैसे देने। चलो पहले पैसे ही ले आओ। अच्छा तू ये बता, जब तू यहाँ चली जाओगी तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। मनीष मैं जब भी यहाँ से जाऊंगी हम हर रोज ठीक 12 बजे उसी पेड़ के नीचे मिला करेंगे। ठीक है ममता, पर मुझे अब 1 मिनट की दूरी भी साल भर जैसी लगे। मनीष अब जाओ, बहुत देर होगी, मौसी आने वाली होगी। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे। मैं तो पवन को देखने आया था। तेरी मौसी कहाँ मर गई जाके। जी वो घर की परवाह नहीं। क्या हो रहा है। जी वो फोन आया किसी का, पता नहीं उसके दौरे कौन से राष्ट्रपति के फोन आवे रोज रोज। चल तू अपने कपड़े रख, तुझे छोड़ के आऊंगा। तू जा यहां से। चल जा घर, चल जा। हाँ भैया। किसके साथ आये। वो मौसा जी आए थे, वो बाहर से ही चले गए। एलाली आ गई तू। पिताजी राम राम। राम राम, इतनी जल्दी क्यों आ गई, तेरा मन ना लगा था वहाँ। ना पिताजी मैं तो यूं ही आ गई, यहाँ काम में दिक्कत हो रही होगी। जा जल्दी चले जा, जल्दी आइए।
कहाँ जा रहा है इतना राजा बाबू बन के? हमें भी तो बता दे। जा रहा हूँ कहीं, तुझे के मतलब? ना बता रहा मत बता वे। परनू तो मुझे पता तू कहाँ जा रहा है, और नू भी बता दूं, पिताजी नू कह गए हैं, अकमनीश नू कहती है ढोरों को न्यार गिर देगा। तू क्या करेगा फिर? मैं तो खेतों पे जा रहा हूँ। यार तू बात को समझे कर, मेरे पे खुद ही टेम ना है, तू गिर दिए न्यार। टेम ही टेम है न्यार, तो तुझे गिरना गिर दे। तू मेरी तो सुनता ना है, फिर यार उससे मिलने में देर हो जाओगी। किसते? अरे तेरी होने वाली भाभी ते। किसी से भी मिलता रहियो, पर अपना काम कर। किसी से भी? अब किसी से भी कह रहा है, और जब वो आ जाएगी ना तो नहीं कहेगा भाभी यू कर दे, भाभी वो कर दे। तू ना करवा करे, ऐसा कर काम कर ले, मूड खराब ना करे। करते हैं। मैं ना करूं? तू ना करता तो मैं भी ना करता, जो जरूरी है पहले वो होगा। ममता कहाँ जा रही? रोटी बन गई के? अभी तो ना बनी भैया। तो फिर कद बनाओगी? मुझे तो कहीं जाना भी था। रोटी बना ले, रोटी बना के मेरे लते धो दिए, हो सके मुझे आने में देर हो जावे। धोरे को पानी पिया दिए। जी भैया, पर वो क्या भैया? पिताजी का है, वो पिला देते पानी, मैं जरा पूनम के धोरे जाती। पूनम के धोरे जाना जरूरी है क्या? कल को चली जाइयो, घर पर भी तो ना है कोई। तू सेहरा बांध के आ जाए।
घट जब मैं खोलूंगा, नैनों की बोली बोलूंगा, देख तेरे गालों का रंग, देख तेरे गालों का रंग, खुद को कैसे रोकूंगा, खुद को कैसे रोकूंगा। कहाँ गई थी तू? सारा काम ऐसे ही पड़ा है। भैया वो मैं पूनम ने बुला ली थी। अरे के बात है, कैसे बिगड़ रहा चोरी पे? तू अपना काम कर। चली गई तो चली गई, प्यार से भी तो समझा सकता यह बात। कहाँ जा रहा तू? मैं जा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मनीष पागल हो रहा है तू? तुझे इतनी तेज बुखार है? करण मुझे कुछ ना हो है, मुझे ममता से मिलना है, मुझे तू जान दे। अगर आज ना मिलेगा तो आफत ना आ जाएगी। ठीक है तो ऐसा कर, तू कागज पेन ले आ, मैं लेटर लिख के दे दूंगा, तू कुछ आ दिए। हाँ ये ठीक रहेगा। पर मैं उससे मिलूंगा कहाँ पे? 12 बजे वहीं आम के नीचे आओगी? वाह, तू आराम कर ले। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर दवाई टाइम तो ले लिए। ममता चाय बना ले जल्दी। जी भैया अभी लाई। यार तेरी बात ठीक है, पर पहले आज मैं उससे मिल के आऊंगा। ले मिल तो ले, पर थोड़ा सावधान। अरे तू चिंता मत कर, मैं मिल के आऊंगा ना, आज तू तेरे ते बताऊंगा। हाँ कोई भी बात हो बता दिए,
कोई भी ऐसी बात। ममता ये बात कहीं पर जा रही है क्या? भैया वो पूनम के घर जा रही थी। कोई जरूरत ना कहीं जाने के, यहीं बुला ले उसे। भैया वो कह रहा हूँ ना मैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं। जी भैया। लेटर तो मनीष को दिया और बता दियो कि मेहमानों के कारण आज भैया ने घर पर ही रोक दिया और शायद उन्हें शक भी हो गया है और आज तो उनका व्यवहार बहुत ही रूखा था। ठीक है। ते क्या नाम है तेरा? मनीष है। बढ़िया है ना। यहाँ क्या करना आया है? अमरूद खाना आया हूँ। आम के मौसम में अमरूद खाना आया है? मैं भाई साहब नाम भूल गया था आपका, पर लात में बड़ा दम है। देसी घी खाते हो गए और खाना चाहिए, ताकत आवे। पर लात क्यों मारी? अगर तू आज के बाद ममता से मिला तो तुझे जान से मार दूंगा। अब समझ में आई, तुम मेरे रिश्तेदार हो, और नहीं तो लात कैसे मार देते? भगवान कसम, अगर तुम मेरे रिश्तेदार ना होते तो तुम्हारी तस्वीरों पे अब तक हार चढ़ गए होते। और रही ममता से मिलने की बात, तो उससे मिले बिना तो मैं रह नहीं सकता, समझ गया ना? हाँ, यहाँ तो लड़ाई सी हो रही है। हट जाओ। अरे करण, तू कहां से टपक गया? जहां था वो टपकने वाला है। अरे जब तुम दोनों यही थे तो पहले तो ना आ सको थे। अरे मैं तो आ रहा था यार। तो मना कर दी। क्यों? नू करा, इसने बहुत पिटवाया पिताजी से। आज पहली बार पिट रहा तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, तने बहुत पिटवाया पिताजी पे। जब पिटते पिटते हिसाब बराबर हो गया ना तो टपका। पर तुम यहाँ आए कहां थे? अरे वो बंद करो अपनी बकवास। अरे रुको सुसरो, हम कहीं भाग के जा रहे हैं या तुम कहीं भाग के जा रहे हो? दोनों यही हैं, लड़ाई आराम से कर लेंगे। पहले मारी भाइयों की बात तो हो लेने दे। हाँ भाई, तुम यहाँ कैसे आए? आए क्या, हमने वो चिट्ठी पढ़ ली हैं। बस हमने सोची रंगी मुलाकात है भाभी की घर में, हम भी देख लेंगे। तो हम तो पेड़ पे आके बैठ गए थे। पेड़ पे आके बैठ गए थे। मनीष तू ठीक तो है ना? अरे तू आ गई और ठीक हो गए? ममता तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी आ गई, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरे तो बाप के भी बस की ना है। ये हमारी भाप भी है, हमारे भाई क्या मानत है? अरे तू कहां तले आया, तुझे चलानी भी आवे? ये सुसरे काम ही ऐसे हैं, हमें तो पता थी कदी भी लड़ाई झगड़े हो सके। अरे भाई तुम यूं करो, दो दो किलो पीछे बढ़ जा, इसी में तारा फायदा। अरे भाई मनीष तू एक काम कर, अभी भी लेकर निकल जा, इन कुत्तों को सबक सिखाने के लिए हम दोनों नहीं बोलते। अच्छा भाग जाऊं? अरे यार मैं भागना तो ना चाह रहा था, पर चलो तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो मैं भाग रहा हूँ। मैं कहता हूँ ममता इसका हाथ छोड़ दे। अरे चुप, ये प्यार है कोई खेल ना है। प्यार में दुनिया छूट जा पर हाथ नहीं छूटते। अरे मैं जा रहा हूँ, इनकी ठीक से धुलाई कर दियो, मारियो मत, रिश्तेदार हैं ये। अरे ओए सुन तो सही, अरे कहाँ जा रहा है हमें इस महाभारत में छोड़ के? भाग्य साले। नाक ममता ने तो कम तन्ने ज्यादा कटवाई है, तन्ने के जरूरत ही ना मारने की। हम उसके बाप के घर जाते चार आदमी लेके, जा साइकिल लठा के।
चलो फिर चलते हैं। पता ना तड़के ते बालक कहाँ चले गए, दोनों में से कोई सा दिखाई नहीं दे रहा। मंदिर में तो कहीं होंगे पूजा करने को, सुसरे कहीं बीज बोते फिर रहे होंगे। मैं तो दो रोटी चैन से खा लूं, यही बहुत है बस। चाचा राम राम। राम राम अमरेश, आजा रोटी खा ले। ना चाचा मैं तो खा के आया हूँ, तुम्हें चौपाल पे बुला रहे हैं, वो पंचायत हो रही है। पंचायत काहे की पंचायत हो रही है, गांव में सड़क वड़क बन रही है के? मनीष के चक्कर में हो रही है वहाँ, उसने कुछ कर दिया थी क्या? ऐसा क्या कर दिया मनीष ने? जाओ जी जाओ, हम जल्दी जाओ। मैं तो पहले कह रहा था सुसरे कहीं ना कहीं बीज बोते फिर रहे होंगे, ये टुकड़ा खान दे चैन से। आओ भाई, इस छोरे ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। राम राम जी। राम राम जी, आओ बैठो। हाँ के बात होगी, के कर दिया मनीष ने? बैठ के बात करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हाँ जी तुम बताओ के चाहो। महावीर, उसकी बदतमीजी तो मैंने अपनी आंखों से देख ली थी, बस घर की इज्जत की वजह से चुप रहा, नहीं तो भगवान कसम उसे तो मैं वही जमीन में जिंदा गाड़ देता। जबान सवाल के बात कर किसना, मनीष अनाथना है, उसका बाप अभी जिंदा है। और रही बात उस लड़की की, जो सजा पंचायत देगी वो हमें मंजूर है। तुम नू करो चौधरी साहब, अब तुम गले मिल लो, इसे वो मिल जाएगी। और तुम्हें समझ, वैसे भी मनीष अच्छा लड़का, जो गलती तो कर दी उसने, बताना कैसे। राम राम जी। मनीष। पिताजी यार भीड़ सी कैसे हो रही है? तन्ने भाई नाक कटवा दी सारे गांव के सामने। ऐसा के कर दिया मन ने? ऐसा इसका फैसला पंचायत करेगी, के करना तुम्हें खुद ही फैसला लेना, तो पंचायत क्यों बुलाई? नहीं पिताजी, अगर मेरा बस चला तो जान से मार दूंगा, हमारी बेइज्जती करवा दी उसने सारे गांव में। ऐसा है इसका फैसला पंचायत करेगी कि के करना है, तुम्हें खुद ही फैसला करना था तो पंचायत किस लिए बुलाई? और मारूंगा इसे भी, जो भी बैठा आग टिमटिमा रहा है। वो तुझे घड़ी देर होगी मरने मारने की बात कर रहा। जा जो तेरे बस की वो कर लियो, हम मनीष के साथ हैं। चौहिसा ममता बोरवेल में गिर गई। अरे मनीष रुकता सही। ममता कितना खाक बात तो करिए। अरे पवन ममता जा जल्दी रस्सी लेके आ। ममता रख हुआ कितना घर इस पे तो सिल रख के आया था, ये भी तो कुएं का काम भी पूरा नहीं आया था। ममता चिंता मत कर, इसका भी हल निकलेगा। ममता तू घबराइए मत, मैं आऊं। गड्ढा तो बहुत गहरा दिखे, 85 फुट गहरा गड्ढा आयो। अरे क्या हुआ? ममता मैं रस्सी घेर रहा हूँ, तू इसे पकड़ लिए। ममता रस्सी पहुंच गई के? हाँ पहुंच गई। इसे कस के पकड़ लेना। ठीक है। खींचे? हाँ खींचो। हुआ मनीष? करण मैं नीचे जा रहा हूँ, तू रस्सी संभाल। एक तो गिर गई और तू और जा रहा नीचे। अरे तू पागल मत बन, तेरी जान को भी खतरा हो सका। एक बार तो गिरी है फिर दोबारा भी गिरी है, पता नहीं जिंदा है मर गई है, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? नहीं अगर ममता ही नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूंगा, मुझे नीचे जाने दो। ध्यान से जाइए भाई। मनीष आराम से जाइए।
मनीष तू ठीक है? हाँ करण मैं ठीक हूँ। अरे करण पहुँच गया मनीष भी नीचे क्या? चाचा समझाओ, जा रहा अभी। तसल्ली रख। ममता 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 तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पहुँच गया मनीष। हाँ चलो खींचो। हे भगवान, कोई ममता के बारे में तो पूछो कैसी है। ममता कैसी है मनीष? ममता भी ठीक है। हे भगवान तेरा तेरा लाख लाख ठीक है। करण खींचो रस्सी। पिताजी हम खींच रहे हैं, रस्सी संभालो। हम जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ मनीष? कुछ ना करो। रस्सी खींचो। आराम आराम से। यूं क्यों हो रहा है नीचे? थम जा, खींच रहे हम। मनीष भी गया नीचे। करण क्या बात हुई? पिताजी रस्सी ना खिचरी। अरे जोर लगवा दो, एक दो और आ जाओ। अरे पिताजी लगे रस्सी अटक गई दिख है। कोई मेरी बेटी को बचाओ। मनीष 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 मैं तड़े जा रहा हूँ, मेरा भाई मुश्किल में है, मैं तड़े जा रहा हूँ। मैं यही को रखो तुआ। फावड़ा लाओ तो है फावड़ा। हट जाओ हट जाओ। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। खींचो खींचो खींचो। Ah!
फिर ममता? मनीष, मेरे सारे शरीर की जान से निकल रही है। क्या बात हुई मनीष? ममता, एक काम कर, आंटी हो मेरी कमीज खोल। इसे मेरी कमर पर कस के बांध लो। घबराना मत, कैसे मनीष नीचे है, कैसे मेरा मनीष नीचे है। रख वाट उठ का रम भरा नहा सो लिया। मनीष जल्दी जल्दी ईंटें हटाओ भाई, मनीष ईंटें हटाओ भाई। मनीष देखो वो जिंदा भी है नहीं। अरे जल्दी ईंटें हटाओ साइड में। मनीष आराम से, चोट नहीं लगनी चाहिए, ध्यान से। ममता, ममता तो ठीक है मेरे बेटा, अरे मेरे लाल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। मनीष तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। जिस तरह मनीष ने मेरी बेटी की जान बचाई उस तरह तुम भी मेरी इज्जत रख लो। चौधरी साहब, हमारी थोड़ी आपके पैरों में है। तुम माफ कर दो, मैं बहक गया था। पिताजी अब मान भी जाओ, अभी इतना कह रहे हैं। आ जाओ चौधरी साहब। जा बेटा जा। ममता बेटी यहाँ। पिताजी प्रणाम। मम्मी जी जीती रहे बेटी, जीती रहे।